पिछले कुछ समय से एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अपने रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या ससुराल छोड़कर मायके में शिफ्ट हो गई हैं। अब इसके पीछे की वजह जहां अभिषेक और उनकी अनबन बताई जा रही है, लेकिन कपल की तरफ से अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि ऐश्वर्या अब ससुराल के बीच में नहीं है और अलग होने की वजह सास जया और भाभी श्वेता बच्चन हैं। श्वेता अपनी भाभी ऐश्वर्या के साथ कुछ खास बॉन्ड शेयर नहीं करती हैं, लेकिन ऐश्वर्या का अपनी भाभी के साथ रिश्ता अच्छा है। ऐश्वर्या के ससुराल के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐश्वर्या के मायके और उनकी भाभी के बारे में बताते हैं कि वो कौन हैं। बता दें कि ऐश्वर्या के पिता कृष्णराज राय अब इस दुनिया में नहीं है और माँ वृंदा राय को तो आपने अक्सर ऐश के साथ देखा ही होगा। हालांकि अब वो काफी कमजोर व उम्रदराज हो गई हैं। ऐश का एक भाई है जिसका नाम आदित्य राय है और उनकी पत्नी यानी ऐश की भाभी का नाम श्रीमा राय है। श्रीमा आदित्य के दो बेटे हैं। श्रीमा राय भी एक पूर्व ब्यूटी क्वीन है और वर्तमान में एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपने पति और बेटों के साथ तस्वीरें साझा करती रहती हैं। श्रीमा की मुलाकात आदित्य से एक डिनर पार्टी के दौरान हुई थी। एक दूसरे को जानने के बाद आदित्य और श्रीमा शादी के बंधन में बंध गए। भारत के मैंगलोर में जन्मी श्रीमा का पालन पोषण अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ और आदित्य से शादी के बाद वो उनके साथ मुंबई में बस गईं। डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए श्रीमा ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी। कपल के दो बेटे शिवांश राय और वेहान राय हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीमा राय कई फेमस ब्रांड के साथ काम कर चुकी हैं। साथ ही वो साल 2009 में मिस इंडिया ग्लोब भी बनी थीं। अपने रिश्ते की बात करते हुए इंस्टाग्राम सेशन में श्रीमा ने बताया था कि घर पर कभी भी ऐश के स्टारडम के बारे में बात नहीं होती। ये मेरे घर में कभी कोई टॉपिक नहीं रहा है। उनके बच्चों के लिए तो वो एक घर पर गुल्लू बुआ हैं। अपनी ननद ऐश्वर्या के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए श्रीमा ने कहा था, वो ऐश को सुपरस्टार की तरह नहीं देखती बल्कि उनके लिए तो वो ननद हैं। हमारे बीच काम को लेकर बात भी नहीं होती है। ऐश्वर्या और अभिषेक कम घर आते हैं और उनके साथ समय बिताना काफी अच्छा अनुभव होता है, लेकिन ऐश और अभिषेक हमें अक्सर देखने को नहीं मिलते। जब वो आती हैं तो मैं आमतौर पर काम पर होती हूँ। वैसे तो बच्चन और राय परिवार को एक साथ बहुत कम मौकों पर ही देखा गया है, लेकिन जब श्रीमा की गोद भराई थी तो सारा परिवार एक साथ नजर आया था। हालांकि खुद की पहचान के लिए श्रीमा ने एक बार द एशियन एज के इंटरव्यू में कहा था कि ऐश्वर्या राय की भाभी के अलावा उनकी खुद की पहचान है। उन्होंने कहा था, मुझे अपने दम पर ऐसा करने के लिए सम्मान मिलता है। मेरा मानना है कि ब्रांड या जनता मुझे सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि मैं किसी की भाभी हूँ। अंततः एक ब्लॉगर के लिए कंटेंट ही मायने रखता है। हालांकि ऐश के साथ उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। ऐश और वो दोनों दोस्त की तरह हैं। ऐश अपने भाई के बेटों के साथ भी बहुत गहरा बॉन्ड शेयर करती हैं। वो कभी उनसे स्टार की तरह नहीं मिलती। इन चीजों को साइड पर रखकर ऐश घर में एक आम इंसान के जैसे ही रिश्तों को निभाती हैं। जहां पैसा और शोहरत आने के बाद ज्यादातर लोग रिश्तों की अहमियत भूलकर दूर हो जाते हैं, वहीं ऐश शुरू से ही फैमिली से जुड़ी रही हैं। इसीलिए तो वो अपनी भाभी के साथ भी प्यारा सा बॉन्ड शेयर करती हैं। हालांकि श्वेता के साथ उनका रिश्ता इतना मधुर नहीं रहा है। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा हमें बताना न भूले। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।